बारां जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में पिछले दिनों से जारी शीतलहर और तापमान में गिरावट का दौर जारी। बुधवार की रात पिछले 5 सालों में सबसे सर्द रात रही। पूरे राज्य में चूरू और फतेहपुर के बाद सबसे कम तापमान बारां में दर्ज किया गया। बुधवार को राज्य में सबसे कम 0.7 तापमान फतेहपुर, 0.5 चूरू और इसके बाद अंता के बारां में 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सर्दी बढ़ने फतेहपुर से लोगों भी दिन भर ठुठरते रहे। पिछले 4 दिनों से रात के तापमान में 10 डिग्री की गिरावट हुई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान रात के पारे में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार जिले का तापमान अंता कृषि विज्ञान केंद्र से नापा जाता है, जहां पर बुधवार को न्यूनतम तापमान 1.4 व अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान उत्तरी हवा 7 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जानिए लोगों ने क्या कहा आगे। सर्दी है, अलाप ताप के तापने, अलाप से तापने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए नियमित हम ये अलाप अलाप जला के बैठते हैं। तो अभी जो आपको बिस्तरों में या तो रजाई ओढ़ के बैठते हैं या फिर मतलब ये अलाप जलाते हैं, मतलब सुबह यही जला के बैठते हैं सर्दी। इनकी फसल में बढ़ोतरी हो जाएगी। शीतलहर चल रही है, ठंड पड़ रही है, कोहरा लगा हुआ है, आग के बाद जला के ताप रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। किसानों को फायदा नुकसान क्यों होगा? धनिया ठंड भारी है यार, आग जला रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं, कोहरा नहीं है, क्या बताओ कोहरा नहीं है, शीतलहर चल रही है। सर्द हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। पब्लिक वाइब के लिए दिव्या त्याई की रिपोर्ट, किशनगंज।